नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखते हैं कि मोटर इंस्टॉलेशन में क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो मोटर इंस्टॉलेशन या फिर उसी को बोलते हैं फैक्ट्री इंस्टॉलेशन, तो तीन टाइप का इंस्टॉलेशन होता है। एक तो डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, उसी को हम लोग हाउस इंस्टॉलेशन बोलेंगे। दूसरा है फैक्ट्री इंस्टॉलेशन या फिर इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन या फिर मोटर इंस्टॉलेशन। और तीसरा जो है वो कमर्शियल इंस्टॉलेशन, उसमें जो है थ्री फेज जो सप्लाई है उसको कंसिडर किया जाता है, और हॉस्पिटल, तुम्हारा हॉस्टल, फिर कमर्शियल बिल्डिंग, अपार्टमेंट वगैरह। तो ऐसे ऐसे जहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा है, सिंगल फेज लोड जो है वो काफ़ी नहीं है, सिंगल फेज सप्लाई जो है वो काफ़ी नहीं है उसको, तो उस केस में जो है थ्री फेज सप्लाई लिया जाता है, उसको कमर्शियल इंस्टॉलेशन कहा जाता है। तीन प्रकार का इंस्टॉलेशन, तो डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन या रेजिडेंशियल इंस्टॉलेशन बोलो या हाउस इंस्टॉलेशन, ठीक है। सेकेंड टाइप जैसे बोला है कि फैक्ट्री इंस्टॉलेशन बोलो या फिर इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन बोलो या फिर मोटर इंस्टॉलेशन, एंड थर्ड टाइप जो है वो कमर्शियल इंस्टॉलेशन। तो मोटर इंस्टॉलेशन या फैक्ट्री इंस्टॉलेशन में क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, और जब भी हम लोग उसके लिए एस्टिमेट निकालेंगे या फिर जो उसका रिक्वायरमेंट है मटेरियल का, उसमें क्या क्या चीज़ है। तो फैक्ट्री इंस्टॉलेशन में जो है वो जनरली कुछ सिमिलर आइटम जो है, अराउंड 80-90% जो मटेरियल है वो सिमिलर रहता है इन एवरी केस ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो उसी के तहत ये न्यूमेरिकल देखते हैं कि प्रिपेयर द एस्टिमेट रिक्वायर्ड फॉर द मोटर इंस्टॉलेशन एज्यूमिंग पीवीसी सरफेस कैन डू टाइप्स ऑफ वायरिंग, द डिटेल्ड प्लान इज एज शोन इन फिगर नंबर 2। तो ये जो है प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिया गया है, तो ये ऑलरेडी पेपर में आ चुका है और इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये फिगर में दिया हुआ है, ये फिगर के जो लेआउट देखे है, प्लान जो देखे, इसी के आधार पर हमको इंस्टॉलेशन का एस्टिमेशन निकालना है। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि ये मोटर मेन जो है बोर्ड, MS बोले तो मेन स्विच, और MF बोले तो मोटर फाउंडेशन। ये जो मेन बोर्ड है ये वॉल से 4 मीटर दूरी पे है, और ये जो है मेन स्विच ये मेन बोर्ड से 22 मीटर की दूरी पे है, और ये जो है सेकेंड वॉल 2 मीटर की दूरी पे है। तो इस प्रकार से ये इसका जो टोटल लेंथ जो होगा वो होगा हमारा 28, है ना, 4 मीटर, 22 मीटर एंड 2 मीटर। और इस साइड में देख सकते हैं कि ये जो वॉल्स है तुम्हारा 2 मीटर की दूरी पे मोटर का फाउंडेशन है, और जो इस वॉल से मोटर का फाउंडेशन जो है वो 13 मीटर की दूरी पे है, तो ये जो है 15 मीटर का है। तो ये लेंथ जो है तुम्हारा 28 by 15 मीटर जो डायमेंशन है उस वर्कशॉप का बोलो या फिर रूम का बोलो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन देखे है, इसका एस्टिमेट अब निकालना है। अब ये क्वेश्चन देख सकते हैं, उसका आंसर जो है वो सॉल्व करके है। तो इसमें एक चीज ध्यान देने वाला बात है कि इसमें रेड कलर में वो मार्क करके है कि क्रेडिट्स में बी गिवन स्टेप वाइज फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो स्टेप वाइज जो है उसके आधार पर ही मार्क मिलेगा, और कुछ कुछ केसेस में जो है एज्यूम कंस्टेंट करना पड़ता है वो वैरी हो सकता है। इसके पहले भी मैंने बोला था कि जो हम लोग एज्यूम करेंगे वो जो वैल्यू है वो पर्सन टू पर्सन वैरी हो सकता है थोड़ा बहुत, इसलिए एंड देयर मे बी सम डिफरेंस इन कैंडिडेट्स आंसर एंड मॉडल आंसर। तो जैसे इसमें बोला गया है कि कुछ अंतर आपको दिखेगा आंसर में। अब एज्यूमिंग हाइट ऑफ सीलिंग इफ 3 मीटर फ्रॉम द फ्लोर, अब फ्लोर से जो हाइट जो है वो 3 मीटर एज्यूम करेंगे, क्योंकि वो गिवन देके नहीं है, लेंथ एंड ब्रेथ देके, उसका हाइट देके नहीं है। मोटर इज इंस्टॉल 1 मीटर अवे फ्रॉम द नियरेस्ट वॉल, हाइट ऑफ मेन स्विच इज 1.2 मीटर फ्रॉम द फ्लोर। तो ये एजम्पशन है। अब स्टेप्स 1 में क्या देखना है कि आउटपुट पावर ऑफ इंडक्शन मोटर, अब ये जो है 10 HP देखे है गिवन, तो इसका आउटपुट पावर कितना होगा, 10 × 735.5, दैट इज इक्वल टू 7355 वैट। इसको वैट में कन्वर्ट किए, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए आधा मार्क देखे हैं, गिवन दिया है। स्टेप सेकंड में
The input power of induction motor is equal to output power of induction motor divided efficiency of induction motor. अब input power कितना मिलेगा? मोटर का आउटपुट पावर जो है हमने फाइंड आउट किया, अब इनपुट पावर कितना लेगा वो जो है एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है मोटर का, इसलिए आउटपुट पावर डिवाइड बाय एफिशिएंसी। अब एज्यूम, अब ये एफिशिएंसी भी एज्यूम कर रहे हैं 80%, हम लोग 85% पिछले न्यूमेरिकल में हमने 85% कंसिडर किए थे, यहाँ पे 80% कंसिडर किया है, तो एजम्पशन है, तो 80 भी ले सकते हैं, 85 भी ले सकते हैं, 90% भी ले सकते हैं, तो इसलिए बोला है कि न्यूमेरिकल जो है आंसर जो है वेरिएशन हो सकता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट। अब इसका इनपुट पावर जो है वो फाइंड आउट किया, 7355 जो है उसका आउटपुट पावर है डिवाइड बाय 0.8 उसका इनपुट पावर होता है, और दैट इज इक्वल टू 9193.75 वैट, तो ये मोटर को इनपुट पावर। अब टू डिटरमिन द रेटेड करंट ऑफ इंडक्शन मोटर, अब पावर तो निकाल लिया हमने, अभी हमको निकालना है करंट, क्योंकि केवल जो सिलेक्ट करना है वो करंट कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए अपने वो करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये पावर का फॉर्मूला है P = √3 VL IL cos φ, और VL जो है यहाँ पे 400 वोल्ट कंसीडर किया गया है क्योंकि गिवन में देखे हैं 415 वोल्ट, तो यहाँ पे 400 लिया है तो 415 लेना चाहिए था, ठीक है, तो 400 लिया है। क्वेश्चन में अगर वोल्टेज का वैल्यू देखे है तो उतना ही लेना है, एज्यूम नहीं करना है, ऑलरेडी अगर गिवन नहीं है इन दैट केस हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, तो यहाँ पे 415 आना चाहिए था, ठीक है, तो उसके आधार पर ये लाइन करंट जो है दैट इज इक्वल टू P / √3 VL cos φ। अब ये जो है करंट फाइंडिंग का फॉर्मूला है, तो इस पर से हमने वैल्यू पुट कर दिए, ये हमने क्या कर दिया इनपुट पावर 9193.75 जो मोटर इनपुट मोटर कितना करंट ले पावर जो है मोटर का कितना रहेगा डिवाइड बाय √3 400 × 0.8। अब ये पावर फैक्टर भी इस क्वेश्चन में देखे नहीं है तो उसको भी एज्यूम क्या है 0.8 या 0.85 या 0.9 पावर फैक्टर जो है यूनिटी नहीं रहेगा क्योंकि इंडक्टिव लोड है, तो इसलिए 0.8 या फिर 0.86 भी कंसीडर कर सकते हैं, तो वो एजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके आधार पर ये जो करंट आ रहा है तुम्हारा 16.587 एम्पियर। अब रेटेड करंट ऑफ मोटर इज 16.587 एम्पियर। अब नेक्स्ट केस में क्या कर रहे हैं कि टू डिटरमाइन द साइज एंड कोर ऑफ केबल। अब हमने करंट तो फाइंड आउट कर लिया, अभी हमको केबल का साइज फाइंड आउट करना है, तो स्टार्टिंग करंट इज एज्यूम 2 times रेटेड इनपुट करंट ऑफ स्टार्टिंग सर्ज। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि मोटर जो इनिशियल में हाई करंट लेता है, तो वो रेटेड करंट है तुम्हारा 16.587 और जो स्टार्टिंग करंट है वो थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो दैट इज कंसिडर एज ए 2x द रेटेड करंट, इसलिए स्टार्टिंग करंट दैट इज इक्वल टू 2 × 16.587, तो उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका वैल्यू आता है 33.175 एम्पियर। तो ये है तुम्हारा मोटर में स्टार्टिंग में जितना करंट लेगा उसका वैल्यू 33.175। तो ये 33.175 एम्पियर करंट कैरी करने वाला केबल कौन सा है, तो उस साइज का केबल हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उससे कम रेटेड वाला केबल अगर सिलेक्ट करेंगे तो केबल जो है वो डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा जैसे ही हम लोग सप्लाई देंगे, इसलिए इससे हाई रेटिंग का केबल ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो टेबल जैसे स्टैंडर्ड टेबल है उस पर से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो वो है 16 square mm 4 core केबल फॉर द इंडक्शन मोटर, ठीक है, वो हो गया केबल सिलेक्शन। नेक्स्ट स्टेप में क्या देखना है, डिटरमाइन द साइज लेंथ एंड डायमेंशन ऑफ ICTP अर्थ वेयर एट इनपुट केबल। तो ICTP कितना रेटिंग का होना चाहिए, तो रेटिंग ऑफ मेन स्विच इज 450 वोल्ट 40 एम्पियर। अब हमारा जो करंट है उससे ज्यादा रेटिंग का तुम्हारा ICTP चाहिए, तो यहाँ पे तुम्हारा 33 एम्पियर जो है उसका 33.175 एम्पियर जो है उसका करंट है स्टार्टिंग करंट, तो उससे ज्यादा रेटिंग का हमारा ICTP चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किस रेटिंग का ले रहे हैं, 450 वोल्ट 40 एम्पियर ICTP ISI मार्क, ठीक है, तो वहां पे तुम 40 एम्पियर ले सकते हैं। एंड साइज ऑफ अर्थ वायर,
अर्थवायर जो है, इस पिछले न्यूमेरिकल में बोला है कि अर्थिंग के लिए मोटर का जो कंडक्टर यूज किया जाता है मोटर के लिए, तो वो होगा हमारा 8 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज अगर कॉपर का है तो, या फिर 6 SWG अगर GI का वायर यूज कर रहे हैं तो। एंड लेंथ ऑफ अर्थ वायर दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ ऑफ केबल। तो अर्थ वायर कितना लगेगा? 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ केबल, क्योंकि हमको दो जगह पे अर्थिंग लगाना है, 2 पॉइंट्स पे हमको मोटर पे दो जगह पे अर्थिंग लगाना है, इसलिए जो तुम्हारा केबल का लेंथ होगा उसका दुगुना रहेगा। ठीक है, लेंथ ऑफ इनपुट केबल फॉर इंडक्शन मोटर एक्चुअल, तो कितना हमारा लेंथ ऑफ केबल लगेगा वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, उसका दुगुना जो होगा हमारा अर्थ वायर होगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या है? ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। तो ये जो है एकदम फिक्स है, मोटर का इंस्टॉलेशन है तो ये सेम जो पैटर्न ऑफ फ्लो होगा कि एनर्जी मीटर फ्रॉम पोल टू एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर से मेन स्विच, मेन स्विच से फिर जा रहा है मोटर का स्विच, और मोटर के स्विच से स्टार्टर, और स्टार्टर से होते हुए ये गया मोटर को। तो इस प्रकार से फ्लो डायग्राम है, और यहाँ पे तुम देख सकते हैं कि ये अर्थिंग है ना, यहाँ से अर्थिंग, दो जगह पे अर्थिंग दिख रहा है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। अर्थिंग जो है मेन स्विच को जा रहा है, मेन स्विच से स्टार्टर, स्टार्टर से होते हुए मोटर के जो बॉडी है वहाँ पे जाके 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो कनेक्ट होगा। तो ये डायग्राम जो है ध्यान में रखना है मोटर इंस्टॉलेशन के लिए। सेम डायग्राम विल बी कंसिडर इन एवरी न्यूमेरिकल्स ऑफ मोटर इंस्टॉलेशन या इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, या फिर बोलेंगे फैक्ट्री इंस्टॉलेशन। अब नेक्स्ट ने जो स्टेप्स है कि फाइंड आउट द एस्टिमेशन चार्ट विथ मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट। अब हमको एस्टिमेशन चार्ट बनाना है, तो लेंथ ऑफ केबल इट शुड बी कैलकुलेटेड एज पर दियर एजम डिस्टेंस। केबल का लेंथ कितना आएगा, वो जो मोटर का तुम्हारा मेन स्विच जो है ना, मेन बोर्ड जिसको बोलेंगे, वहां से तुम्हारा केबल का लेंथ जो है एक्चुअल लेंथ है, उस लेंथ को कंसीडर करना है, उसके लेंथ के हिसाब से हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉमन मटेरियल। तो जैसे इसमें काफी पॉइंट देखे उसमें से, जैसे मॉडल आंसर पेपर में गिवन देखे कि एनी 8 पॉइंट एक्सपेक्टेड, 8 पॉइंट एक्सपेक्टेड है। तो ये जो है पहला केबल, 4 कोर केबल जो है वो यूज हो रहा है। ठीक है, ब्रिक्स। ठीक, इफ केबल इज लेड अक्रॉस द पब्लिक रोड देन सीमेंट पाइप, DWC पाइप और GI पाइप इज रिक्वायर्ड फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ केबल। फिर केबल का लग एज पर रिक्वायर्ड साइज, फिर है केबल ग्लैंड टर्मिनेशन करने के लिए, जो तुम्हारा मोटर का टर्मिनल बॉक्स है वहां पे केबल को टर्मिनेट करने के लिए, और जो तुम्हारा मेन बोर्ड है वहां पे मोटर को केबल को टर्मिनेट करने के लिए जो है तुम्हारा केबल का ग्लैंड यूज होता है। फिर फीडर पिलर और केबल बॉक्स और बस बार एंड केबल एंड बॉक्स। तो जो तुम्हारा केबल है वो डायरेक्टली जो है किसी स्विच सॉकेट से सप्लाई नहीं जाता है, वो सप्लाई जो आता है वो केबल एंड बॉक्स या फिर बस बार उसके थ्रू ही आता है, इसलिए वो हमको केबल बॉक्स या फिर उसको बस बार बोलेंगे, वो रिक्वायरमेंट है। फिर GI पाइप एज पर रिक्वायर्ड साइज, GI पाइप की जरूरत है, केबल बुशिंग की जरूरत है, एंड H8 SWG वायर की जरूरत है फॉर अर्थिंग पर्पज। उसके बाद क्लैम्प, सैडल, ये जो एसेसरीज में आता है, क्लैम्प जो क्लैंपिंग करके जहाँ पे तुम्हारा वर्टिकली वो राइज हो रहा है केबल मोटर तक फाउंडेशन से, वहाँ पे क्लैंप लगाया जाता है, तो इस प्रकार से क्लैंप सैडल यूज होगा। उसके बाद एज सच ऑल सर्विस कनेक्शन मटेरियल लाइक मेन स्विच, MCB, एनर्जी मीटर, न्यूट्रल लिंक, IC, आयरन क्लैड कटआउट, अर्थिंग नट, स्क्रू एंड वुडन बोर्ड, ये सब जो है एसेसरीज में आता है, ये सब की भी रिक्वायरमेंट है। फिर 16 स्क्वायर mm 4 कोर केबल हैविंग द लेंथ ऑफ 23 मीटर एंड 6 कोर 2 मीटर फ्रॉम स्टार्टर। ठीक है, इस प्रकार से केबल का लेंथ देखें, इतने लेंथ का 16 स्क्वायर mm का केबल का रिक्वायरमेंट है। और फिर स्टार्टर से मोटर तक का वहाँ पे फ्लेक्सिबल कंडूट और फ्लेक्सिबल वायर का यूज किया जाता है वो। फिर RYB मेन इंडिकेशन लैम्प, फिर 1x1 मीटर वुडन बोर्ड एज मेन बोर्ड,
और अर्थिंग प्लेट 60x60x3.141 नंबर। तो ये सब जो है ना मटेरियल जो आप ऑब्जर्व करेंगे या पिछले वीडियो को कंपेयर करेंगे तो उसमें देखेंगे कि सेम मटेरियल जो है 90% मटेरियल जो है सेम ही है एज इट इज़। फिर अर्थिंग सेंडरी चारकोल एंड सॉल्ट जो अर्थिंग को लगने वाला मटेरियल है वो है, और स्टार्टर की ज़रूरत है 10 HP स्टार डेल्टा स्टार्टर, और फिर SWG कॉपर वायर जो पिछले इसमें भी देखे। तो ये सब जो है मटेरियल है 18 मटेरियल है। तो इसमें क्वेश्चन में जो देखे हैं कि एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम 8 पॉइंट जो है तुम्हारा कंसिडर एस्टिमेशन के मटेरियल के लिस्ट में आना ही चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करो।